अंदर जाके कर क्या है? दानिश को पता है कि वो कंफर्टेबल है। सोलो मारा ना। लिटरली आज भी लोग मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमारा ब्रेकअप हुआ है, हम ओवरकम कैसे करें और प्लीज कुछ गाइड करो। मैं सोचती हूँ कि इस पे एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो भी बनाऊँ, बट नहीं टाइम मिल पाता, पर मैं कोशिश करूँगी क्योंकि लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से मैंने सब चीज़ नीचे छोड़ के आगे बढ़ी और मैं इतना खुश हूँ, तो लोग सोचते हैं कि कैसे हुआ, तो लोगों को वही सब चीज़ जानी है। तो एक दिन ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और एवरीथिंग इज इन द हेड, अगर आप सोचो सब कुछ ठीक हो सकता है तो सब कुछ ठीक होगा, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे, ऐसे मेरी बहन बोलती है। तो ये पॉजिटिव सोचो और फैमिली कम्स फर्स्ट, बाकी सब तो चलता रहता है, बट जो फैमिली है एट द एंड, तुम्हारा फैमिली साथ देगी और कोई नहीं। तो जस्ट बी विद योर फैमिली, यू ऑलवेज बी हैप्पी। Are you comfortable? It's okay. If you're not, then it's okay. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और मतलब बाकी मेरे गाने ने बहुत कुछ बोल ही दिया होगा, तो जो मेरे दिल में था, जो मैं सब लिख दिया, सब गा दिया, बस आगे तो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। आई थिंक वी स्टार्टेड ऑन द टिकटॉक और मैं अपने पे इतना ध्यान नहीं देती थी ना, वॉज इट इवन मच इन टू इट, बट मेरा कुछ भी नहीं था टू बी, मेरे हिसाब से आई डोंट नो अबाउट द ऑडियंस, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है इंडिविजुअली मैंने ज़्यादा ग्रो किया है, बिकॉज एवरी मुझे लगा नहीं मैं इतना कर पाऊंगी। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड, मेरी सिस्टर ने बोला कि जब तुम किसी और के लिए कर सकते हो तो तुम खुद के लिए भी कर सकते हो, मेरे को फिर भी नहीं था। बट आर सिमरन, मतलब आई थिंक 100% मेरा है ही नहीं, मेरा सिर्फ 25% है, बाकी आई गिव इट माय मदर, माय सिस्टर एंड आर दिसली पीपल आई गो इट टू, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और यस, लोगों का बहुत सारा प्यार भी है, तो वही हिम्मत देता है और आगे बढ़ने में, थोड़ा अप एंड डाउन आते लाइफ में। चल कौन है वो लड़की, मुझे मिलवाना है उससे, क्योंकि मैं अभी फिलहाल इट्स बीन 9 months, मैं सिंगल 9 months से, काइंड ऑफ हाँ, तो दिल में मतलब मेरे दिल में मेरे म्यूजिक है, मेरे वर्ड्स हैं, उनके साथ मैं कमिटेड हूँ और अपडेटिंग माई करियर ऐसा कह सकता हूँ, कोशिश तो कर ही रहा हूँ, कोई नहीं झूठ बोल सकते हो। बाकी मैं बोलना तो चाहता हूँ मगर बोल नहीं पाता हूँ, बहुत कुछ कहने को भी है, सुनने को भी है, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब सब लोग बिना कहे सुन लेंगे। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।